आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस और कितनी स्वादिष्ट और कितनी बढ़िया। आहा, हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हो? स्वागत है मेरे चैनल में आपका। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ाही पनीर। ना लहसुन होगा, ना प्याज होगी, और कम मसालों में, कम समय में। आइए मेरे साथ किचन में। किचन में आने से पहले दोस्तों आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। आप मेरी वीडियो देखते हो, कमेंट भी करते हो, पर लाइक बिल्कुल भी नहीं करते। प्लीज लाइक किया करो और कमेंट किया करो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और ऑल पर सेलेक्ट भी जरूर कर लेना, तभी तो मेरी नई वीडियो आप तक पहुँच पाएगी। और चलते हैं किचन में दोस्तों। गाइस, आज मैं कड़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने 2 से 3 शिमला मिर्च कट कर लिए बड़े बड़े पीसों में, और ये 300 ग्राम करीब पनीर है जो मैंने मोटे पीस कट कर रखे हैं, और ये 1/2 किलो टमाटर है जिसकी मैंने ग्रेवी बनाई है, और कड़ाई पनीर बिना लहसुन और बिना प्याज के। और मैंने कड़ाई गरम कर ली है, इसमें डालूंगी मैं तेल 1 बड़ा चम्मच। तेल गरम हो गया, इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा, तो जीरा मेरा चटक गया तो डालूंगी इसमें थोड़ी सी मिर्ची, और इसमें 2 डालूंगी तेजपात के पत्ते। ये भुन गया है, अब मैं डालूंगी हल्दी, मिर्च, धनिया 1 चम्मच, और इसमें ये जो ग्रेवी बना के रख ली है वो मैं डालूंगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से कढ़ाई पनीर है, बहुत टेस्टी, और बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है, ढाबा में मिलती है, वैसे शादी पार्टियों में एकदम हलवाई जैसी। और साथ ही इसमें डालूंगी मैं स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने से जल्दी भुन जाते हैं टमाटर है, मसाला जल्दी भुनता है। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ूंगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, देख सकते हैं आप, ज़्यादा मसालों का झंझट नहीं है। गाइस, मसाला अभी भुना नहीं है, अभी करीबन 2 से 3 मिनट और भुनेगा, तब तक हम ये शिमला मिर्च को तेल में तल लेते हैं, क्योंकि ये तेल में तलेंगी तो ही शिमला मिर्च कढ़ाई पनीर बढ़िया बनेगा, नहीं तो टेस्ट कच्चापन आएगा, उतना टेस्ट नहीं आएगा। दूसरी कढ़ाई मैंने तेल डाल लिया है, और उसमें ये शिमला मिर्च सारी तलने के लिए कोट दी है। 2 से 3 मिनट के तलूंगी बस, इतनी ही देर में ये हल्की सॉफ्ट हो जाएंगी, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी इनको मैंने। मसाला हमारा बन गया है, अब इस स्टेज पर डालूंगी थोड़ी सी क्रीम, क्योंकि क्रीम पड़ने से मसाले में टेक्सचर अच्छा आ जाता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। और इसे 1 से 2 मिनट और इसको भून लूंगी। मसाला गाइस भुन गया है, और अब इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ा सा पनीर मसल के। पनीर मसल के आप जरूर भी डालें, को जरूर डालें, कोई सी ग्रेवी बनाएं, इसमें काजू की पेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने पनीर को मसल के डाल दिया तो फ्लेवर एकदम काजू जैसे आ जाता है। शिमला मिर्च सॉफ्ट हो गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। ये 50% गल गई है, अब इस शिमला मिर्च को मैं इसमें डालूंगी मसाले के अंदर, और इसको मिक्स कर दूंगी, और इसके अंदर डालूंगी गाइस अब मैं पनीर जो मैंने कट करके रखी है। गाइस, अब मैं इसको मिक्स करूंगी, और कढ़ाई पनीर गाइस देख सकते हैं बनकर एकदम तैयार हो गई। अब क्रीम और डालूंगी, कितनी टेस्टी लग रही है, और ये तेज पत्ता अब हटा दे रही हूँ, इसका काम खत्म हो गया। गाइस, इसको सर्व करके दिखाऊंगी मैं, देख सकते हैं कढ़ाई पनीर कितनी टेस्टी और कितनी डिलीशियस बनी है, अब कितनी स्वादिष्ट बनी है गाइस। गाइस, मेरी कढ़ाई पनीर बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस और कितनी स्वादिष्ट और कितनी बढ़िया। आहा,
गाइस रेसिपी पसंद आई हो कढ़ाई पनीर की तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे नई वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। और मिलती है एक बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों राधे राधे।